किसान था और आपने उसको 500 रुपए के लिए गोली मार दिया। मैं उसी का बेटा सुरेश उर्फ शेरा आज डाकू बन का तुम्हारे सामने था बेटा।
सांस ले रहा है, हमको लगता है तुलील का ये कहा नहीं। आज हमारे कमीजे में आज मुहर्रम, बाद में तुम बताया हम बहुत मारे, आज बिगड़ मारे जाए न देव, बिगड़ मारे जाए न देव। सबसे पहले ये बता, ये गोली की आवाज कहाँ से आई? सर इधर से आई गोली की आवाज। इधर से आई? इधर से आई। इधर साले एक बार इधर बता रहा है, एक बार इधर बता रहा है। इधर से ऐसे चली गई गोली। कहाँ चली गई गोली? इधर से गई। कहाँ गई गोली एक मैं पूछ रहा हूँ। चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले ये बता, गिजा सर के मैंने सबको बोला था कि ठाकुर विक्रम सिंह ने हमारे यहाँ जो सूचित किया था कि हाँ डाकू सेना सिंह का आतंक कुछ ज्यादा फैल चुका है, और वो ठाकुर विक्रम सिंह को जान से मारने की धमकी भी दिया था। मैं तुम्हारी ड्यूटी ठाकुर विक्रम सिंह के मकान पर लगाया था कि कोई कहानी भी रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको ठाकुर के हवेली के गेट नंबर एक पर तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। तो ये बताओ, मुझको तो ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे ये गोली की आवाज ठाकुर के हवेली की तरफ से आ रही है। ठाकुर साहब की हवेली से अब भाई उधर से ये आवाज आई, तू इधर ठाकुर साहब की हवेली का साल है, दारू भट्टी चाहे बैठ गए हवेली बैठे रहे, इतने में गांडू लोग आए। मैं डाकू लोग है, हम बहुत गांडू नहीं। मुझको बोले कि तू भाग जाओ यहाँ से, अच्छा नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे हराम हो जाएंगे अच्छा मर जाएंगे। अच्छा मैं वहां से घूम गया, इतने में मार दिए जाने के, मैं चाय पीने चला गया। तू चाय पीने चला गया और टाकू चले गए मार के? किधर से गए ये बता पहले। ऐसे झाड़े झाड़े गए, साले झाड़े झाड़े हराम खोर झाड़े खाक कर गए। तो पकड़ा क्यों नहीं, तुम्हारी ड्यूटी की जेर मैंने लगाया था। चाय पी रहा था, मैंने सोचा कि 5 रुपए का चाय कैसे छोड़ दूं। अब तू अपनी ड्यूटी बहुत बकायदा कर रहा है, मतलब साले उस ठाकुर की जान चली गई और तू 5 रुपए की चाय नहीं फेंक पाया। नहीं सर। साला कैसे बोल रहा, नहीं सर शर्म नहीं आती हरामखोर को? सुन पहले मेरी बात, यानी कि तू ही सारा मुकदमा तू ही खारिज करेगा। सुनो पहले, अभी कहीं दूर नहीं गया होगा, चलो तुरंत चलते हैं उसका पीछा करते हैं। चलो भागने की कोशिश नहीं करना, तुम ज्यादातर पुलिस फोर्स से गिर चुके हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आप अपनी जान की खैर चाहते हैं वापस चले जाइए, नहीं तो बहुत खून खराबा होगा। डाको सरा से जोश में आकर मौत को दावत मत दो, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, अपने आप को सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुमको मालूम है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, कहीं नहीं जा सकते। डाकू सेरा सिंह मेरी बात को मान लो, सजा कुछ माफ हो जाए, और अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले नहीं करोगे तो ये तुम समझ लो कि मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, हमारी बात नहीं मानोगे बाबू, मैं
अपनी मेहरिया रा कराना हो, अपने बाल बच्चों का साया उठाना हो, बाप का साया उठाना हो, तो मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो गोलियां मारूंगा, पच्छा घाव हो जाएगा। तो साला साया कहाँ निकल रहा है? जयपुर हथौड़ा से उसको तो सारे पकड़ूंगा तो मैं लोढ़ा सिंह बना दूंगा, टेंशन मतलब कमाल है। अगर हिम्मत है तो हम लोग कफन बांध के निकले हैं। तो ठीक है, अगर तुम लोग कफन बांध के निकले तो ठीक है, तुम लोग हमारे साले पर फिर से हम अपना बड़ा तो समझ लो की कोशिश मत करो। सबसे पहले बताओ चुप पहले तुम ना ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने उस ठाकुर से ठाकुर फिकरा सिंह को मौत के घाट ला दिया? अरे क्या खतरा किया था उस ठाकुर फिकरा सिंह ने जो तुमने उसको इतनी बड़ी सजा दी? कहना क्या चाहता है? और सबसे पहले ये बता कि तू रहने वाला कहाँ का है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, और कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने ठाकुर जान से मार दिया? बोल। आपसे पूछना चाहते हैं कौन सी ऐसी दुश्मनी ठाकुर से मेरा पूरा परिवार जा दिया और उसने 500 रुपए के लिए मेरे पिताजी को गोली मार दिया और उसको जला के हवाले कर दिया था। इसलिए मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, जो बयान आपके सामने दूंगा सच दूंगा, झूठ नहीं दूंगा। साहब ठीक है, बोलो अपना नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, साफ साफ बताना। इसलिए कि तुमको मालूम है कि ऊपर से ऑर्डर है कि ठाकुर सेहरा सिंह जहाँ कहीं भी दिखाई दे तुरंत इनकाउंटर का ऑर्डर है। तुम वैसे भी मौत के मुंह में हो, इससे अच्छा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम सच सच बताओ क्या थी, कौन सी चीज सुनी थी? पिता का नाम वही बता रहा जो कि मेरे पिताजी का नाम, माता का नाम वही बता रहा जो कि मेरे माता जी का नाम। क्या हो गया हमारे बच्चों के बाद मेरा भी हालत में उसका छोटा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसका बड़ा भाई जागरू के लिबास में मैंने ये क्या कर दिया, अपने अपने हाथों से अपने भाई के ऊपर गोली चला दिया।
अरे जिस भाई से मिलने के लिए बरसों से आंखें तरस रही थी, आज वो भाई मेरे सामने खड़ा था। तुम भाई हकीकत उसको बता सकता सुरेश, सबसे पहले तुम ये बताओ क्या तुम्हारा छोटा भाई रमेश तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो? अगर अपने सामने देख लूंगा तो जरूर पहचान जाऊंगा साहब। मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज